वो अपने दोस्तों से जला करता था। वो मुझसे क्यों जलती है? तुम फिर उससे जल रहे हो। मैं किसी से नहीं जलता। गैज, इस प्रकार की सेंटेंसेस को हम हमारे डेली लाइफ में कभी ना कभी यूज़ करते हैं। इस प्रकार के सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में कैसे कहेंगे, इसके लिए कौन से स्ट्रक्चर की यूज़ करेंगे, आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं। इस प्रकार के सेंटेंसेस को इंग्लिश में कहने के लिए आपको स्ट्रक्चर में पहले यूज़ कर देनी है सब्जेक्ट, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको यूज़ कर देनी है जेलस ऑफ, इसके बाद नाउन या फिर प्रोनाउन। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से क्लियर आ जाए। सबसे जलना उसकी आदत है। इट इज़ हर हैबिट टू बी जेलस ऑफ एवरीवन। इट इज़ हर हैबिट टू बी जेलस ऑफ एवरीवन। वो अपने दोस्तों से जला करता था। ही यूज टू बी जेलस ऑफ हिज फ्रेंड्स। ही यूज टू बी जेलस ऑफ हिज फ्रेंड्स। मैं किसी से नहीं जलता। आई एम नॉट जेलस ऑफ एनीवन। आई एम नॉट जेलस ऑफ एनीवन। क्या वो तुमसे जल रहा था? वाज ही बीइंग जेलस ऑफ यू। वाज ही बीइंग जेलस ऑफ यू। देखिए ये सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस में था, इसलिए हमने बी वर्ब का आईएनजी फॉर्म यहाँ पर यूज किया है, बीइंग। हम उससे नहीं जल सकते। वी कांट बी जेलस ऑफ हिम। वी कांट बी जेलस ऑफ हिम। तुम्हें उससे नहीं जलना चाहिए। यू शुड नॉट बी जेलस ऑफ हर। यू शुड नॉट बी जेलस ऑफ हर। तुम फिर उससे जल रहे हो। यू आर बींग जेलस ऑफ हिम अगेन। यू आर बींग जेलस ऑफ हिम अगेन। वो तुमसे जलता है। ही इज जेलस ऑफ यू। ही इज जेलस ऑफ यू। वो मुझसे क्यों जलती है? वाई इज सी जेलस ऑफ मी। वाई इज सी जेलस ऑफ मी।